इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। हम हुबली शहर में यहाँ पर हम मौजूद हैं, गौसिया टाउन में हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ हस्ती प्रसाद अभैया साहब, MLA यहाँ के हैं। वो सामाजिक खिदमत में हमेशा पेश रहते हैं। उन्होंने जो बाढ़ मुतासरीन लोगों के लिए यहाँ पर जो फूड किट जो तकसीम किया है, उस ताल्लुक से वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइए कि जो आप ये जो काम अंजाम दे रहे हैं, आगे की आपकी क्या ये जो है काम करने की तरीक़ेकार रहेगा? अभी हम लोग यहाँ तो ये तो मेजर माइनॉरिटी एरिया है, बैकवर्ड SC ST 80% मैक्सिमम और बैकवर्ड एरिया, और मैक्सिमम नॉर्थ कर्नाटक में हाईएस्ट स्लम एरियाज इधर ही है, हुबली धारवाड़ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में। यहाँ तो बहुत ही काम करने का है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ड्रेन, गटर, पानी, पीने का पानी, और हेल्थ वाइज हेल्थ हॉस्पिटल्स खोलना है, और एजुकेशन को अपग्रेडेशन करना है, ऐसे बहुत कुछ काम है। अभी तो मेरा 6 इयर्स टर्म हो गए, अभी भी 4 साल बाकी है। अभी मेरा एम तो यहाँ माइनॉरिटी, बैकवर्ड, SC ST और गरीबों का बहुत कुछ काम करने का है, मतलब एजुकेशन का मेजर एरिया में एजुकेशन को ज़्यादा कंसंट्रेशन करना है। बाद में यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इसके वास्ते थोड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का, कुछ इंडस्ट्री लाने का भी थोड़ा प्लान है, लेकिन कर रहा हूँ। अभी तो बहुत कुछ काम है करने का, ये है। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ आप देख सकते हैं कि एक तरफ दूसरे का ईद हिंदू मुस्लिम और दूसरे मजहबों के दरमियान तफरका लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रसाद अभैया है जो तरक्की करने के कामों की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है। वो हॉस्पिटल्स लाना चाहते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाना चाहते हैं। हम वाकई उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अक़लियती तबके के लोगों को अपनी नज़र के सामने मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम रफ़ीक बंकापुर है, मैं एक हेल्प काउंसिल इंडिया नाम की तहरीक का सदर हूँ। 15 या 16 साल के से ये तहरीक चल रही है, ये NGO चल रहा है। इसका मकसद ये है कि गरीबों की मदद की जाए, ख़ास करके मुसलमानों में पढ़ाई के ताल्लुक से, इलाज और मुआलज के ताल्लुक से जो तकलीफ़ें आती हैं, हेल्प काउंसिल के ज़रिए उनका उनकी मदद होती है। ये 2004 में इसका शुरुआत हुई थी, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये काम चला हुआ है। और आज यहाँ पर ये फंक्शन में जो उड़ान एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से जो फंक्शन किया है बतुल मैडम ने, तो ऐसा लग रहा है कि हेल्प काउंसिल को एक और एक सहारा मिल गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सन 1997 में ये उड़ान NGO की शुरुआत हुई है, और साथ ही साथ औरतों के साथ हर तबके के लिए हम लोग हैं, हम भाई और बहनों के लिए ये हमारा उड़ान NGO जो है काम करता आ रहा है। साथ में जो हेल्प काउंसिल के हमारे रफ़ीक साहब हैं, उन्होंने हमारे जो शुरुआती पहला काम था, एक बच्ची की हेल्थ के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, डॉक्टर ने सिर्फ 3 दिन टाइम दिए थे कि बच्ची का इंतकाल हो जाएगा अगर इलाज नहीं हुआ, तो उस वक्त में इन्होंने हमारा साथ दिया। ऐसे ही उड़ान NGO ने बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड भी काम किए हैं, और जो गरीब लोग यतीम लोग हैं उनके लिए भी काम किए हैं, जैसे कि उनको घर बना के देना और आंगनवाड़ी केंद्र बना के देना, फिर इसी के साथ में टॉयलेट्स बना के देना जिनको नहीं है, हेल्थ एंड सेफ्टी में आता है बोल के। तो ऐसे बहुत सारे काम, और बहुत सारे लोग जो है ना, बच्चे जो लो ग्रेड के होते हैं वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वैसे लोगों के लिए हमने कैंप किए हैं। तो इसी तरह इंशाल्लाह अब हमारा नेक्स्ट जो कदम है यतीम बच्चों की शादी का है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं अब्दुल रशीद खान, रोशन खान, रजा टोन, ओल्ड हुबली के मुतवल्ली हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं कि हमारे ओल्ड हुबली के हलके में जो है, जो मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा गुरबा गरीब मसाखिन हैं, उनके ताल्लुक से हम तमाम मुतवल्लियान इकराम मिलकर जो है एक अटूट फैसला लिया है कि सबसे पहले हमारे कौम मिल्लत के लिए जो है तालीम मयार सुधारने के लिए उनको एक अच्छा से अच्छा हम एक मकाम देना है। साथ ही साथ जो है, जो घरों में
مفلسی ہے، جو گھروں میں تنگ دستی ہے ان کو جو ہے ہم نے ہمارے اور سے ہو یا اوروں کے اور سے ہو جتنا ہو سکے اتنا ہم مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔